नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हम आपको एक अनूठी लूट के बारे में बताएंगे। ये घटना चूरू की है, जहां मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां से करीब 17 किलो सोना और करीब 9 लाख रुपए दिन दहाड़े लूट कर ले गए और बड़े ही आराम से फरार भी हो गए। पुलिस को मिली जानकारी के बाद उन्होंने हरियाणा के बॉर्डरों पर नाकाबंदी करवा दी, जिसके बाद महज 3 घंटे में उन अपराधियों में से 2 अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चूरू के रिलायंस मॉल के पास मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड गोल्ड लोन की शाखा है। दोपहर करीब 3 बजे 4 बदमाश यहां पहुंचे। उस दौरान ब्रांच में मैनेजर समेत 4 लोग मौजूद थे। बदमाशों ने हथियारों में से सभी को धमकाया और सोने के गहने व कैश लेकर भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर SP नारायण टोगस, ASP योगेंद्र फौजदार, DSP ममता सारस्वत, कोतवाली थानाधिकारी सुभाष कछावा सहित FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। ब्रांच हेड प्रहलाद सैनी ने बताया कि 4 बदमाश शाखा में गोल्ड लोन लेने की बात कहकर अंदर आए। इनमें से एक बदमाश ने अपनी अंगूठी देकर कहा कि लोन लेना है। इसके बाद स्टाफ पर पिस्टल तान दी। इस दौरान वह खाना खा रहे थे, बदमाश ने उन पर भी पिस्टल तान दी। शाखा का शटर बंद कर बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी और चाबी लेकर स्टाफ को बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद बदमाश करीब 8.5 लाख रुपए का सोना लेकर लूट कर भाग गए।